नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुश शर्मा। देखिए, मैं एक घर बैठे एक न्यू इनोवेशन करने जा रहा हूँ। तो देखो आप, मैं एक हारमोनियम बनाने जा रहा हूँ और आगे बढ़े तो मैंने इसमें सेकंड कोड कर दिया है। सेकंड कोड में इसकी कंडीशन इस प्रकार से है, आप चारों तरफ इसका व्यू देख सकते हैं। ये इसका लगने वाला ढक्कन है और आगे देखो आप, मैं इसको ड्रिल कर रहा हूँ। जैसे ही ड्रिल का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद देखिए वो इस तरह से होल बन जाते हैं। तो आगे मैं इन होल को साफ कर रहा हूँ। इसको साफ करने से क्या होगा, चाबी में इसका बुरादा नहीं चिपकेगा, इसलिए इसको साफ करना भी ज़रूरी है। आगे देखिए, मैं जो कीबोर्ड के बटन हैं और उन बटनों को एक जगह में व्यवस्थित करने के लिए एक कील सी लगा रहा हूँ और इसको फेविकॉल से चिपका रहा हूँ, ताकि इसमें बटन मूवमेंट लेफ्ट राइट को ना करे, सही ढंग से बैठे। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाता हूँ और लुक को देखो किस तरह से पेंट की फिनिशिंग की है। और ये वर्क मैंने खुद ही घर पे अकेले किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। पेंट की क्वालिटी देखिए, फिनिशिंग देखिए। अब मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूँ और कीबोर्ड को देखिए किस तरह से अलाइनमेंट किया है, बिल्कुल पूरी सेटिंग की है। इसमें देखिए पालीताना MT की जुपिटर रजिस्टर गोल्ड जो रीड है वो लगी है, जो मैंने खुद लगाई है, और इसकी साउंड बहुत ही प्यारी है। और इसका लुक देखिए आप, और कीबोर्ड की अलाइनमेंट देखिए, एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से कंप्लीट किया। और इसकी ट्यूनिंग इंटरनेशनल A440 पे ट्यून की है, और जो कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मानी जाती है। अब इसकी साउंड का और झनकार का डेमोंस्ट्रेशन आगे में वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए अब सुनते हैं इसकी मधुर आवाज़ को।